हाँ देखिए, अबाउट ऑफ द ईयर, हम लोग जैसा जानते हैं कि ईयर डेट मीन्स कड़ कान इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आवर लाइफ एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर बॉडी. विदाउट ईयर देर इज़ अ नॉट पॉसिबल टू लिसनिंग ऑफ द एनी साउंड ऑब्लिक यू कैन से डेट फ्रिक्वेंसी. नॉर्मल बात क्या आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, ध्यान से आप समझिए कि जो कान है ना, बिना कान के जो है आप जो है सुन नहीं सकते हैं, किसी भी फ्रीक्वेंसी को जो है आप जान नहीं सकते हैं. और यदि कान भी ना रहे तो, ये कान भी ना रहे तो कितनों भी सुंदर जो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे गर्ल्स में चाहे बॉयज में, वो बेकार लगेगा. ठीक है, आप देखते होंगे 3D जो डायमेंशनल मूवी बनाए जाते हैं, तो उसमें देखते हैं बहुत से ऐसे जो क्रिएचर सब क्रिएट कर देते हैं कि कान नहीं रहता तो थोड़ा सा अजीब लगता है. तो कान का एक विशेष रोल है हमारे लाइफ में. तो देखिए, द ईयर, वी नो डैट द ईयर है 3 पार्ट. कान के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं. ठीक है, 3 पार्ट, एक जो कान आपको दिख रहा है ये 3 पार्ट हैं. और 3 पार्ट हैं जिसको आप जो है एक एक्सटर्नल, मिडिल और आप जो है ईयर ड्रम के नाम से कह सकते हैं. बहुत ईजी होता है, यानी कोई भी ह्यूमन बॉडी, कोई भी जो है यदि कुछ बोलता है तो उसको सबसे पहले रिजल्ट जो है ईयर का आपका, वह फर्स्ट पार्ट होता है एक्सटर्नल. डैट मीन्स बाहरी, जो बाहरी साउंड आता है, फ्रिक्वेंसी आती है, वह पहले ऑब्जर्व करने का काम करता है क्या, एक्सटर्नल. ठीक है, एक्सटर्नल डैट मीन्स बाहरी को, आवाज़ को ऑब्जर्व करता है, डैट मीन्स लिसनिंग यानी का काम करता है. एंड सेकेंड आपका वह एक्सटर्नल से आप किस में आ जाता, मिडिल यानी मध्यम भाग में आ जाता है, कान के मध्य वाले भाग में आ जाता है. उसके बाद आपका आ जाता है ईयर ड्राम में, यानी कोई भी हम कुछ सुनते हैं तो उसके लिए रीज़न क्या है कि आपको एक्सटर्नल मालूम होना चाहिए कि एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल से आपका मिडिल और मिडिल के बाद जो है आपका किस में आ जाएगा, ईयर ड्रम में आ जाएगा. डैट इज, इसको थोड़ा सा और भी थोड़ा ऐसे लिख दीजिए, वी कैन सी द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ईयर, इट कैच द साउंड एंड सेंड टू द मिडिल ईयर्स. डैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो हम देख सकते हैं, जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं यानी बाहरी वाली जो चीज़ें होती हैं, बाहरी जो साउंड होता है, वह कान का वो जो बाहरी पार्ट होता है वो क्या करता है, कैच करता है. कैच ऐसे बाल वाला कैच नहीं, वो कैच करता है यानी सुनने का जो काम होता है वो कैच करता है. ठीक है, साउंड कैच करता है एंड सेंट इन टू द मिडिल ईयर और भेजता है कान के बीच वाले भाग में. क्लियर, बीच वाले भाग में भेज देता है, फिर वहाँ से बताया जाता है मिडिल सेंट टू द ईयर ड्रम और वहाँ से जो है एज वेल का शायद छंद्रित होके, ठीक है, फिर वहाँ से हमें किस में चला जाता है, ईयर ड्रम में चला जाता है, ईयर ड्रम में चला जाता है. ठीक है, एंड व्हेन साउंड फॉल ऑन द ईयर ड्रम, और जैसे साउंड ईयर ड्रम पे गिरता है, ठीक है, ईयर ड्रम पे गिरता है तो वो जो है क्या करता है, फॉल ऑन ईयर ड्रम, इट इज स्टार्टिंग वाइब्रेटिंग एंड ए पास इन टू द इनर ईयर फ्रॉम हेड टू द इनर, सेंट मैसेज टू द ब्रेन और नर्व, हमें नर्व ये जागृत कर देता है. तो डेट मीन्स हमें बस इतना सा आपको समझना है कि पहला जो कंडीशन क्या है, जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल से हमारा जो है मिडिल में और मिडिल से किस में आ जाएगा आपका, ठीक है, ईयर ड्रम पे में आ जाएगा. तो कोई भी जो है बोलता है या कुछ कहता है, ठीक है, कहने वाली बातें यानी वो सुनने का काम करेगा तो सबसे पहले एक्सटर्नल पे आएगा, एक्सटर्नल से मिडिल वाले पार्ट से, मिडिल पार्ट से जो है ईयर ड्रम पे हो जाएगा. और जब भी वो साउंड कैच किया जाता है, ठीक है, तो वो भेजने का काम करता है ईयर ड्रम पे और वहाँ से जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइनिंग है, व्हेन फॉल ऑन द साउंड ईयर ड्रम, इट स्टार्टिंग, ये स्टार्ट करता है वाइब्रेटिंग करने के लिए, घनघनाहट साफ
वाइब्रेटिंग करता है आप एंड पास इनर ईयर और पास कर देता अंदर वाले कान में टू फ्रॉम हियर एंड नर्व, और क्या करता है नर्व को एक मैसेज भेज देता है हमारे मास मतलब माइंड के नर्व को एक मैसेज संदेश भेज देता है कि वो चीज़ें क्या है, ठीक है, कौन सी आवाज़ें हैं, क्या है, क्या कह रहा है, किसकी आवाज़ें हैं, डॉग है, ठीक है, स्नैक है, कैट है, ह्यूमन बॉडी है, क्या कोई अप्सरा है, एज वेल ब्यूटीफुल है, बहुत से जो भी तुम कह लो, ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें हमारा वो ब्रेन में जाता और ब्रेन से हमें पता चल जाता हाँ ये इसकी साउंड है या ब्लिक उसकी साउंड है, ठीक है। और एक चीज़ और इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, कई लोग कहते हैं ठीक है जिनकी कानें छोटी होते हैं ठीक है वो कम जीते हैं, ठीक है, और जिनका कान बड़ा होता है लंबे समय तक जीता है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आजकल कह भी सकते हो बट मानो ही ना, ठीक है भाई, पहले जो है आदमी जो 150-150 साल जी जाते थे, 100 सेंचुरी पार कर ले जाते थे, अब जो है 75-80 क्या यानी 60 मैक्सिमम 60 या 65-70 तक जो है लुढ़क जाते हैं, तो लोग कहते हैं अरे 100 साल जीना था 70 साल में मर गया, तो वो चीज़ें नहीं, कान को जैसे नहीं, ये अफवाह है, लोग मानते आ रहे हैं लेकिन इसका विशेष लॉजिकल नहीं है, विशेष लॉजिकल है आपका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, खाद्य पदार्थें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जा रही हैं, और प्रदूषित होने का रीज़न क्या, खाद्य पदार्थों में बहुत ज़्यादा यूरिया और भी कई चीज़ों का यूज हो रहा, और एटमॉस्फेयर भी उसी के अकॉर्डिंग ढल रहा, जैसे कहा जाता ना नेचर परिवर्तन बदल रहा है, चेंजिंग हो रहा है, नेचर ला एक्सचेंज हो रहा, तो वो धीरे धीरे हर चीज़ आपका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, प्रकृति का जो है परिवर्तन होना ये लक्षण है, तो ऐसे में आपका ह्यूमन भी जो है जो 100 साल जिया करते थे अब 70-80 पे, तो विशेष इसका इफेक्ट रहता है, लेकिन कान के विषय में इतना जान लीजिए, ईयर के विषय में जो है आप पहले के लोग जो क्या करते थे कान में जो है एकदम प्योर कर्ड ऑयल डाला करते थे, सरसों का तेल डाला करते थे, ठीक है, और 6 महीना पे एक बार धीरे से हल्का सा उसको साफ कर लिया करते थे, कई लोग का कान भी बहता था, ठीक है, तो अब वो चीज़ें समस्याएं धीरे धीरे ख़त्म भी होती जा रही हैं, लेकिन क्या है सरसों का तेल डालने से जो है माइंड आपका फ्रेश रहता है, आँख के लिए जो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता मतलब हेल्पफुल होता है, तो बहुत सी चीज़ें हैं, बस आप छोटे बच्चों के लिए बस यही मैसेज है, बच्चों आप लोग ध्यान से स्टडी करो, ईयर इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और एक चीज़ और भी सेफ्टी के लिए आप लोग बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं ठीक है जो हेडफोन यूज़ करते हैं ईयरफोन यूज़ करते हैं वो धमाकेदार वाला डेट मीन्स बेस वाला वो ऐसा नहीं यूज़ करना है, और यूज़ करते भी हैं तो स्लो पर आप सुने और मैक्सिमम जो है बस 10-20 मिनट तक होना चाहिए, ठीक है, अधिक 20 मिनट्स मोर देन जाना ही नहीं चाहिए सिंगिंग सॉन्ग अदरवाइज ऐसे कुछ, जो बहुत से मैं देखता हूँ बाइकिंग भी चला रहे थे उसी पे जो है कान में लगाए रहते हैं, दिस इज़ द बैड हैबिट, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है आप अपना पढ़ाई करें, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।